तो हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल SMII पे। दोस्तों, यदि आप किसी भी मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनी में निवेश कर रहे हैं तो आपको उसके फाइनेंशियल रिजल्ट चेक करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी कंपनी की जो परफॉर्मेंस है उसके नंबर्स पे ही डिपेंड करती है। आज बात करेंगे श्री सिक्योरिटीज़ की, क्योंकि इसके जो रिजल्ट हैं वो आ चुके हैं, उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, कंपनी के प्रॉफिट में और कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं उनमें किस तरह की चेंज आई है वो हम देखेंगे। दिसंबर क्वार्टर के नंबर्स एंड 9 मंथ के क्वार्टर के नंबर हमारे पास आ चुके हैं, तो आइए डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। नए आए हो दोस्तों हमारे चैनल को, आप सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशंस, कंपनी को इनकम कितनी हुई है, टोटल इनकम कितनी हुई है। तो यहां पे देख सकते हो, पहले क्वार्टरली रिजल्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज दिसंबर को सितंबर के साथ और लास्ट ईयर दिसंबर के साथ कंपेयर करेंगे। तो कंपनी की जो टोटल इनकम आई है 26.778 आई है, ये इस कंपनी की चलो टोटल इनकम है। अदर इनकम भी बीच में ऐड कर लेते हैं, तो कंपनी की जो टोटल इनकम है 26.953 है, जबकि लास्ट ईयर इट वाज 12.745। तो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो बहुत ही बड़ा अप ट्रेंड देखने को मिल गया है। कंपनी की जो टोटल इनकम है वो डबल से भी ज़्यादा हो गई है। इवन सितंबर के मुकाबले भी देखो, इस साल कंपनी के जो दिसंबर नंबर आए हैं टोटल इनकम में बहुत ही बड़ा इजाफा देखने को मिल गया है। 24.165 से बढ़ के 26.953 हो गई है, एक अच्छी इंडिकेशन है। अब 9 मंथ का डाटा देख लेते हैं। फर्स्ट 9 मंथ में कंपनी की टोटल इनकम 63.795 है, जबकि लास्ट ईयर 9 मंथ में इट वाज 38.566। तो यहाँ पे भी क्लियरली एक पॉजिटिव अप ट्रेंड देखने को मिल गया है, तो कंपनी की टोटल इनकम में तो अच्छा इजाफा देखने को मिल गया है। अब बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिट की, कि कंपनी को प्रॉफिट कितना हुआ है। तो यहाँ पे भी टोटल देख लेते हैं कि कंपनी को किस तरह का प्रॉफिट आया है। यहाँ पे देख सकते हो कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट है वो 24.090 है, जबकि लास्ट ईयर इट वाज 11.643, जबकि सितंबर क्वार्टर में इट इज़ नियरली 23.613। तो यहाँ पे भी क्लियरली बहुत ही शानदार इंडिकेशन मिल गई है, बहुत ही शानदार ट्रेंड देखने को मिले हैं। इवन 9 मंथ का डाटा देखो तो यहाँ पर भी नियरली कंपनी की जो टोटल प्रॉफिट है, प्रॉफिटेबिलिटी है, शुद्ध मुनाफा है, वो नियरली डबल हो गया है। तो नंबर्स बहुत ही बढ़िया हैं, बहुत ही शानदार हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कुछ अदर इनकम भी आई है, कुछ अदर आइटम्स भी यहाँ पे देखने को मिली हुई हैं, एंड इट विल नॉट बी रीक्लासिफाइड इनटू द प्रॉफिट और लॉस। स्पेसिफिक आइटम्स हैं यहाँ पे नेगेटिव है, तो कंपनी को कुछ पेमेंट भी करनी पड़ी है, जिसके कारण कंपनी की कॉम्प्रिहेंसिव जो इनकम है वो ब्रैकेट में चली गई है, वो लॉस में चली गई है। लेकिन ओवरऑल देखें, क्योंकि ऑपरेशन से तो कंपनी को नंबर अच्छे ही हैं, ऑपरेशन से कंपनी ने प्रॉफिट जो है वो अच्छा कमा लिया है, जिसके कारण कंपनी का जो EPS है वो भी अप ट्रेंड शो कर रहा है। तो ओवरऑल नंबर जो है बहुत बढ़िया है। तो अब इसके जो स्टॉक की परफॉर्मेंस देख लेते हैं, यहाँ पे क्लियरली आज एक बड़ा अप ट्रेंड है, श्री सिक्योरिटीज़ के स्टॉक में अपर सर्कट लग गया है। ये स्टॉक आप 0.51 की प्राइस पर चला गया है। लास्ट 5 डेज में भी देखो, कल भी अपर सर्कट लगा था, शानदार रैली हो रही है, 15.91% की रैली लास्ट 5 डेज में हो गई है। 1 मंथ में भी एक ब्यूलिश रिवर्सल है, ब्रेकआउट हो गया है। इसका जो प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल है 0.50 के अराउंड, वो ब्रेक हो गया है बॉटम फॉर्मेशन के बाद, क्योंकि रिजल्ट्स बहुत ही शानदार हैं। 6 मंथ में भी ये देख सकते हो स्टॉक ने 24% की रैली शो कर दी है, जबकि 1 ईयर में ये जो स्टॉक है अभी भी 74% की गिरावट शो कर रहा है। क्योंकि दोस्तों कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। चलो स्पेशल आइटम के कारण कंपनी की इनकम जरूर रिड्यूस हुई है, कुछ पेमेंट की होगी कंपनी ने, लेकिन ओवरऑल अब ट्रेंड पॉजिटिव आ चुका है, जिसके कारण आने वाले दिनों में भी ये स्टॉक जो है वो रैली कर सकता है। तो इसकी फेयर वैल्यू देख लेते हैं क्या बनती है। तो ये स्टॉक अपनी फेयर वैल्यू तक जाता आपको दिखाई दे सकता है। तो इसकी एक बार फेयर वैल्यू चेक कर लेते हैं कि फेयर वैल्यू क्या बनती है। सो उसके अकॉर्डिंगली इसकी जो परफॉर्मेंस है वो हमें पता चल जाएगी कहाँ तक ये स्टॉक अप ट्रेंड शो करता है। बुक वैल्यू देखो 0.33 की है, और प्राइस टू बुक रेशो चलो नहीं है, तो प्राइस टू बुक रेशो इतनी ज़्यादा नहीं है कोई, प्राइस टू बुक रेशो भी सही है, और इंडस्ट्री के मुकाबले ये जो स्टॉक है डिस्काउंट पे है, डेब्ट टू इक्विटी रेशो टोटली निल है। तो मतलब आने वाले टाइम में ये स्टॉक अप ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है, इवन यहाँ से डबल होने का भी पोटेंशियल लगता है, क्योंकि नंबर्स बहुत ही शानदार हैं। अब इसके नेक्स्ट क्वार्टर के नंबर यदि सही आ गए और फाइनेंशियल ईयर 24 के नंबर भी सही आ गए, तो फिर ये स्टॉक नियरली डबल भी हो सकता है, 1 के लेवल से ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि प्राइस टू बुक रेशो कोई अभी ज़्यादा नहीं है, 1 के आसपास ही चल रही है। सो थैंक्स अगेन दोस्तों, मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हो तो हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि दोस्तों ये जो पेनी स्टॉक्स हैं ये हाईली रिस्की हैं, यहाँ पर आप अपना रिस्क प्रोफाइल देखने के बाद ही किसी स्टॉक में निवेश करें। सो थैंक्स अगेन।